बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ सब भाई खैर खरीत से होंगे। जी मैं तुहाडा अपना वीर हसन लाहौरी, तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी सारे भाई कहते थे जी मदारी कौन से होते हैं, तूफ़ान कौन से हैं, ये काले नवाब वाले किस तरह के हैं, ये क्रास में कैसे बनते हैं। इसी तरह जी मैंने काफ़ी सारे सवाल आपके सुने हुए थे, तो खैर मैंने कहा चले मैं गाँव जाऊँगा अपने तो भाइयों से भी बात करूँगा, उन सीनियर को भी बिठाऊँगा, उनसे भी रब्ता करेंगे ताकि मुलाकात होने के दौरान आपको पता चल जाए कि ये ब्रीड कैसे और कैसे बनी है। स्टॉप करिए एक मिनट। तो इसी तरह जी मैं आया था सैयद जैन शाह साहब के पास और साथ हमारे नदीम भाई भी मौजूद हैं, तो मैंने कहा चले इनसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी ले देते हैं और आपको परिंदों को भी शौक कराता हूँ। तो काफ़ी लंबा सफ़र था, तो आपको पता है फिर पाकिस्तान से लाहौर का काफ़ी सफ़र है, तो आए हैं तो इनसे मुलाकात भी की है, तो आई मैं आपसे इन्फॉर्मेशन भी लेके देता हूँ। जी जैन भाई क्या हाल है आपका, नदीम भाई आप भी सुनाएं क्या हाल है। ठीक ठाक शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा जी नदीम भाई से पहले सवाल करते हैं क्योंकि हमारे वो सीनियर खिलाड़ी हैं माशाल्लाह और काफ़ी अच्छे से वो इस काम में है, तो नदीम भाई इस काम में आपको कितना अर्सा हो गया? इस शौक में तकरीबन हसन भाई कम से कम मुझे 12 से 15 साल हो गए। माशाल्लाह जी 15 साल से आपने क्या कौन कौन सी ब्रीड रखी है माशाल्लाह? हमारे पास जी अल्लाह का शुक्र है बहुत सियाल वाले ब्रीड भी मौजूद है हमारे पास माशाल्लाह, मदारी जो उनके मदारी जिन्हें बोलते हैं ज़्यादातर लोग, ठीक है। और उनके बाद आप आपको पता है कि मज़ीद शौक बदल गया है, वलैती दौर आ गया, वलैती जानवर लड़ रहे हैं, मिक्सिंग हो गई ना, मिक्सिंग हो गई है। अब हमारे पास वो मदारी प्योर मदारी मदारी वाले मुर्गे भी हैं, वलैती भी हैं, ठीक है, क्रॉस भी कर रहे हैं, स्पीड बना दी ना उनकी, जानवर स्पीड में बन गए। अच्छा अच्छा, उनके वक्त ऐसा आ गया, अब उनकी ज़रूरत ऐसी बन गई है कि बिल्कुल पाकिस्तानी अब हर जगह पर लड़ नहीं रहे। पाकिस्तानियों की गेम हो रही है लेकिन वो फिर जहाँ पाकिस्तानियों की होती है उसके लिए वो प्योर खड़े हैं, बिल्कुल उनमें मदारी प्योर खड़े हैं, उनमें काले नवाब वाले भी क्रॉस किए हुए हैं माशाल्लाह। अच्छा आपने जो ब्रीड बाहर की उनको आप मदारियों में और नवाब वालों में क्रॉस किया? क्रॉस किया हुआ है जो नवाब वाले, मैं आपको बता दूं भी लोग तो नाम ले लेते हैं जी जी, लेकिन हमारा जो काले नवाब वाला मुर्गा था 11 मैच लड़ा जी जी, ये साहिवाल के इलाके में फैसलाबाद समुद्री पीर महमूद साहब के नाम से लड़ता रहा जी जी, और काला तूफान इसका नाम था जी माशाल्लाह। 5 साल की उम्र में अपना पहला मैच लड़ा है और माशाल्लाह वो पता याद भी रहा सारे मैच भी 11 के 11 मैच माशाल्लाह विन हुआ है जी माशाल्लाह। तो वो काले नवाब की ब्लड लाइन उसमें से चल रही है, वो काले तूफान में से इनको मदारियों के साथ भी मिक्स किया, वो रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। लेकिन फिर अब गेम जैसे ये एडवांस आ गई ना, तो फिर अब ये आपको पता है इम्पोर्टेड ब्रीड आ गई, ये क्रॉस लड़ रहे हैं, तो फिर वो वक्त की ज़रूरत के मुताबिक फिर इनको वलैतियों में क्रॉस किया, तो वो फिर मुर्गों को तेज़ बनाया। अब अभी वक्त और ऐसा आ रहा है कि बिल्कुल इम्पोर्टेड ब्रीडों के मैच होने शुरू हो गए हैं, तो फिर अब इनको बिल्कुल ही प्योर करते जा रहे हैं, तो अब वक्त की ज़रूरत के मुताबिक प्योर भी हैं जो पाकिस्तानी प्योर हैं वो भी हैं अपनी असल हालत में, क्रॉस में भी हैं, मतलब 70-80% इम्पोर्टेड भी हैं, उनमें हल्का सा टच पाकिस्तानी है, उनकी गेम ज़्यादा अच्छी बन गई प्योर से भी। अच्छा माशाल्लाह जी, मैं आपको जैन भाई के पाकिस्तानी बर्ड्स का शौक कराता हूँ, आप देखिएगा उनके गंड दूर देखिएगा, बहुत ही मजबूत और बहुत ही म्यारी हैं, क्योंकि मैंने तो माशाल्लाह घर रख के देखे हुए हैं, तो आज मैं आपको उनको शौक भी दिखाता हूँ जरा लाइव और इनकी सेटअप भी दिखाते हैं, सेटअप किस तरह का लगाया हुआ है। मैं जी आपको शौक करवा, ये जी माशाल्लाह जी जैन भाई का पहला मुर्गा है और ये तैयारी लगा हुआ है, मुर्गे का माशाल्लाह शौक करें, बहुत ही खूबसूरत और म्यारी मुर्गा है जी। उनका सेटअप मैं आपको शौक करवाता हूँ, ये देखें जी इन्होंने कबूतर भी रखे हैं माशाल्लाह, और ये इनके केज हैं, ये जो उनके घर की पट्टियाँ पट्टे फिर रहे हैं, ये देखें जी माशाल्लाह उनका शौक, ये जी उनके पाकिस्तानी हैं, ये जी मदारी वाला भट्ठा उनका पीला जी, चेक करें माशाल्लाह जी, ये मदारी वाली ब्रीड है उनकी जी माशाल्लाह, भट्ठा आप शौक करें, बहुत ही खूबसूरत और म्यारी बच्चा है जी। इसी तरह ये उनके सारे परिंदे मौजूद हैं यहाँ पे, ये भट्ठा आप चेक करें माशाल्लाह, ये देखिए जी माशाल्लाह शौक करें जी,
ये देखिए जी माशाल्लाह उनका सेटअप बहुत ही खूबसूरत और माशाल्लाह बहुत ही आला सेटअप है। तो ये उनकी मदारी मुर्गे फिर रहे हैं माशाल्लाह। ये देखिए जी ये पट्ठा उनका जी। हाँ पट्ठा शौक करें क्या बात है। चेक करो जी माशाल्लाह पट्ठा शौक करो खड़ी तख्ती था पट्ठा। ये जी जैन शाह साहब लेके हैं जी अपना प्योर मदारी मुर्गा। आप इनका जी चेहरे का शौक करें माशाल्लाह लेंथ देखे मुर्गे की इस टाइम मोल्टिंग में है जी। जी जैन भाई इसके बारे में आप कुछ बताएं। ये असम भाई ये जो है ना जो मदारी लोग जिनका नाम लेते हैं जी जी सिर्फ नाम लेते हैं या कहते हैं ये वो मदारी है पुराना मदारी है बिल्कुल। ये इस टाइम कम से कम 7-8 साल जो एज में और ये पुराने जानवरों में से बिल्कुल प्योर जी जी प्योर हालत में मदारी है जी उनका अपना। और एज इसकी तकरीबन 7 से 8 मंथ है 7 से 8 साल सॉरी श्योर जी। इसमें कोई छींट नहीं है किसी और ब्लड की ये प्योरिटी में आपका जी प्योरिटी में जी माशाल्लाह। मुर्गे का चेहरा मुर्गा देखे और इसकी नलियाँ देखे माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और पीला कलर काला पीला रंग है इसका जी। इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिएगा मैं आपको दूसरे परिंदों का भी शौक करवाता हूँ जी। ये जी माशाल्लाह जी जैन भाई दूसरा परिंदा लेके आए हैं अपना ये जी काले नवाब वालों में से उनका बना हुआ है। और माशाल्लाह मुर्गे की नलियाँ बहुत खूबसूरत और म्यारी नलियाँ हैं। ये जैन भाई कितने साल का और कितने अरसे से आपने इसको ब्रीडर किया हुआ है? ये तकरीबन 3.5 साल का। ये जी 3.5 साल की एज में है और ये नवाब वालों में से बना हुआ है और बहुत ही मजबूत। ये जो काला तूफान जिसका मैंने आपको जिक्र किया था पहले जी जी काले तूफान का जी काले तूफान की पट्टी का ड्रैग ये जी काले तूफान की पट्टी का बट्टा है जी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और मियारी है और शौक करने का बहुत ही मज़ा आ रहा है जी। अल्लाह पाक इसकी ज़िंदगी करे। इसी तरह जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए मुझे और जैन भाई को नदीम भाई को इजाज़त दीजिए और टीपू भाई को भी। तब तक के जी अल्लाह हाफिज़।